सब्सक्राइब करें लुक्स एंड फ्लेवर्स चैनल को हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और होम रेमेडीज को सबसे पहले देखने के लिए। प्याज हर घर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक माना जाता है। खाना चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, हर प्रकार के भोजन में प्याज का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। सब्जी में प्याज का इस्तेमाल करने से सब्जी का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है ये शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो इससे शरीर की ताकत और खून बढ़ता है। कुछ लोग बहुत सारी वजहों से प्याज नहीं खाते, लेकिन प्याज मिलने वाले फायदों के बारे में शायद वो लोग अनजान हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो भी प्याज खाना जरूर शुरू कर देंगे। प्याज को चाहे आप सब्जी के रूप में खाएं या सलाद के रूप में, किसी भी रूप में प्याज के बहुत से फायदे आपके शरीर को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं प्याज खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है जोड़ों और गठिया के लिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द और गठिया से परेशान रहते हैं, खास करके सर्दियों के मौसम में ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके लिए हम हजारों रुपए की दवाइयां लेते हैं, कई तरह की मेडिसिंस यूज करते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि प्याज गठिया को दूर करने का सबसे सस्ता इलाज है। सरसों के तेल में प्याज का रस मिला करके दर्द वाली जगह पर मालिश करिए। एक महीने तक अगर आप रोजाना इस तरह मालिश करेंगे तो आपका किसी भी तरह का दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या फिर किसी भी तरह का घुटनों का या हड्डियों और मांसपेशियों का दर्द हो, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप आज से ही इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। प्याज का अगला फायदा है बालों के लिए। आजकल की बदलती जीवन शैली और खराब खान पान की वजह से बालों का झड़ना एक आम समस्या है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज बहुत ही फायदेमंद है। प्याज में सल्फर और कैराटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों के लिए जरूरी होते हैं। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं। प्याज में सल्फर होता है जिसके कारण सर की त्वचा में कोलेजन का निर्माण होता है, जिससे बाल घने और मजबूत होते हैं और बालों का विकास भी बेहतर तरीके से होता है। कच्चे प्याज को काट करके सिर पर रगड़ने से बालों का झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। प्याज के रस से सर की त्वचा पर मालिश करिए, उससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर सर पर बाल नहीं है तो वहां भी नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। प्याज सफेद बालों को काला करने के लिए। अगर किसी को सफेद बालों की समस्या है और कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए हैं, तो वो रात को रोजाना प्याज का रस लगा करके अपने बालों में सोएंगे तो सफेद बालों का उगना एकदम रुक जाएगा और सफेद बाल भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। प्याज में मौजूद विटामिन्स और अनेक पोषक तत्व हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नियमित रूप से प्याज का सेवन करने से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए कच्चे प्याज को भोजन के साथ सलाद के रूप में जरूर इस्तेमाल करें। प्याज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए। आजकल की खराब जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल दरअसल वसा का ही एक रूप होता है जो कि हमारी रक्त धमनियों में थक्के की तरह जाता है। इससे रक्त का संचरण प्रभावित होता है और रोगी को अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते ही कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोजाना एक चम्मच प्याज के रस में शहद मिलाकर के पिएं। साथ ही छाछ में प्याज काट करके मिलाएं और नमक और काली मिर्च डाल करके इसका सेवन करें, तो इससे कुछ ही दिनों में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाता है। प्याज का अगला फायदा है कान के दर्द को दूर करने के लिए। प्याज कान के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्सर किसी भी बच्चे या बड़े के कान में दर्द होने लगता है, तो दो बूंद प्याज का रस कान में डाल दीजिए। कान का दर्द कुछ ही देर में बिल्कुल दूर हो जाएगा। प्याज का रस इंसुलिन को बढ़ाता है। प्याज का रस डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन के बनने की क्षमता कम हो जाती है। प्याज का सेवन करने से पैंक्रियाज के सेल्स में इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, इसलिए शुगर के रोगियों को प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनका ग्लूकोज लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा। अगला फायदा है याददाश्त को मजबूत करें। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिनको याद किया हुआ जल्दी भूल जाता है और छोटी छोटी बातें जिनको याद नहीं रहती, उन लोगों को प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्याज का सेवन करने वाली महिलाओं को इस प्रकार की समस्याएं होती ही नहीं है। मासिक चक्र के आरंभ से पहले ही प्याज का सेवन शुरू कर दें। ये आपको मासिक धर्म में होने वाली दर्द और अन्य समस्याओं से आराम दिलाएगा।
प्याज का अगला फायदा है हमारी त्वचा के लिए। प्याज का इस्तेमाल करने से त्वचा का कालापन दूर होता है। कच्चे प्याज में थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके चेहरे पर मसाज करें, इससे चेहरे के काले दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। साथ ही प्याज एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आपके चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां आ गई हैं, तो चेहरे पर प्याज का रस लगाएं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला है मोतियाबिंद में फायदेमंद है प्याज। आंखों के नीचे काले घेरे हो या आंखों से धुंधला दिखाई देता हो, तो प्याज का रस निकाल करके उसे आंखों में सुरमे की तरह से लगा लें। प्याज का रस आंखों में डालने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्याज के बहुत ही बेहतरीन फायदे, जो कि आपके जीवन को और भी सरल बना सकते हैं और आपको स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप भी प्याज के इन फायदों से लाभ उठाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।